सामने सबके सामने ट्रायल कराओ, हिंदुस्तान सारा देखे, अगर ये नहीं जीतता तो भाई इसको मत भेजो, अगर जीत जाता तो भाई इसका हक बनता है। कुश्ती पहलवानों के बाद अब हरियाणा के बॉक्सर चयन प्रक्रिया को लेकर बगावत पर उतर आए हैं। मिनी क्यूबा भिवानी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर्स ने कई प्रक्रिया को गलत बताया, साथ ही कहा कि इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। वहीं बॉक्सर विजेंद्र ने कहा कि इससे अनुभवी खिलाड़ी पिछड़ेंगे और गुलामी व चाटुकारिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं नेतावाद में हूं और मुक्के चलाना मैंने पहले सीखे हैं। हम सरकार को चैलेंज करते हैं, मोदी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो फिर ये फैसला क्यों लिया गया? सबको पता है जो अभी रेसलिंग में भी हुआ है सिलेक्शन प्रक्रिया को लेके, वैसा ही सेम बॉक्सिंग में भी है जी। बिना सिलेक्शन ट्रायल्स के आलंकन प्रक्रिया से इसको माप रहे हैं जी। तो जो फिटनेस देखते हैं सभी खिलाड़ियों की, और अगर खिलाड़ी फिट है तो कैंप में तो वैसे ही है जी। उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें भी हमारा जो पॉइंट सिस्टम है उसमें भी सबसे ऊपर हम ही हैं। और जिस बॉक्सर का सिलेक्शन किया गया है उसको मैं पहले भी काफ़ी टाइम हरा चुका हूँ। अभी लास्ट ये 10 महीने पहले की बात है, जो कॉमनवेल्थ ट्रायल थी उसमें भी मैं उसको हरा के ही आगे गया हूँ कॉमनवेल्थ खेलने के लिए। और उसी का सिलेक्शन किया गया है, उसी के लिए सिलेक्शन के लिए ही आप सबके सामने आए हैं जी। क्या प्रोसेस रखा गया है सर, क्या खामियां लग रही हैं? प्रोसेस रखा गया कि जी पॉइंट सिस्टम चला दिया है, कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, अटेंडेंस के दिए जाएंगे, फिटनेस के दिए जाएंगे, कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट रख के इनको, मतलब पूरी पावर उनकी कोचेज के हाथ में है जी। चाहे हम कितना भी जोर लगा लें, कितना ही अच्छा प्लेयर हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उसके पॉइंट पता नहीं कहाँ से, मेरे यही समझ में नहीं आया मेरे पॉइंट कटे कहाँ हैं। हर चीज़ में मैं बेस्ट हूँ, चाहे वो रनिंग है, चाहे वो वेट ट्रेनिंग है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें मैं बेस्ट हूँ। हर जगह मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, हर जगह है उसमें बेस्ट हूँ, फिर भी मुझे पीछे किस कारण से किया गया है वो मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा है। जी मैं 51 kg की वेट कैटेगरी में हूँ और दीपक नाम के बॉक्सर को उसमें सेलेक्ट किया गया है, जिसको मैं पहले भी हरा चुका हूँ सबके सामने। और हम 3 बॉक्सर ऐसे सामने निकल के आए हैं जो 57 में रोहित मोर है और 92+ में सागर नरो अहलावत है जी। हम 3 बॉक्सरों को इस चीज़ से आपत्ति है जो ये सिलेक्शन पॉलिसी इनकी बदली गई है, सिलेक्शन ट्रायल्स को हटा के जो ये आलंकन प्रक्रिया चलाई गई है उसके खिलाफ। जी आगे मैं हाई कोर्ट में अपील की है, BFI को भी अपील की है कि ये जो प्रक्रिया है ये हमें समझ नहीं आ रही है किस प्रकार से और कौन कहाँ पॉइंट दे रहा है, कहाँ हमारे काट रहे हैं, वो सबको बताया है कि ये समझ नहीं आ रहा है, इसको हटा करके वापस से जो ट्रायल्स थी वो वापस लेके आई जाए। अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई है जी, हर जगह हमने मेल्स कर ली हैं, हर जगह हमने बात की है, कहीं भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई अच्छा सा जवाब हमें नहीं दिया गया है, सिर्फ बात टालने की कोशिश की जा रही है। 18 वेट कैटेगरी है, बाकी 15 वेट कैटेगरी में संतुष्ट हैं खिलाड़ी, आप उनसे बात हुई हो या इस प्रक्रिया को लेकर आप क्या? मेंस में जो है जी वो 7 वेट कैटेगरी है, मेंस में 3 हम आगे हैं, बाकी जो औरों को शायद होगा, कोई नहीं आ पाया किसी वजह से या कोई आना नहीं चाहता हो आगे का सोच के, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते किसी का। आधी टीम तो यहाँ है जी हमारी, और 3 ऐसे बॉक्सर आए हैं जी हम जिन्होंने अपने जो अभी सिलेक्शन किया गया है जिस बॉक्सर का उनको हराया है पहले कॉमनवेल्थ में, सागर ने भी हराया था उसके ओपोनेंट को जिसका अभी सिलेक्शन है, सेम मेरा ही ऐसे ऐसे में ऐसे ही मोर का है, इसने पहले उस बॉक्सर को 2-3 बार हराया है। अभी इस चीज़ का कहीं ना कहीं अपने खिलाड़ियों को आगे लेकर आने का इसमें मुझे शक लग रहा है जी, अपने चेतों को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसी कोई अधिकारी है या जिसका आप नाम लेना चाहें? पर्टिकुलर तो नहीं कह सकता जी, मैं कोचेज ही हैं मेन, तो जहाँ मुझे लग रहा है जो बाहर से जो 2 कोच आए हैं उनका ये सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने चलाया है, उनका ही मुझे मेन रोल लग रहा है इसमें। प्रक्रिया होती है प्रोसेस को चेंज करने की, क्या इसमें कोई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है, वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है? प्रोटोकॉल की बात मैं करूँ तो जी
अभी वर्ल्ड चैम्पियंस हुई थी 2023 में, उसमें गोल्ड और सिल्वर को बस कैंप ट्रायल के लिए राहत दी गई थी। बाद में इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार पॉलिसी चेंज की है और सभी को जो खेलने गए थे उनकी भी ट्रायल हटा के उनको सीधा सिलेक्शन कैंप के लिए किया गया है। ऐसे ही सेम अभी एशियन गेम्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ तो जी बाउट खेलनी पड़ेगी, वहाँ तो फाइट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें मेडल मिलेगा, ना कि ये जो इनकी सिलेक्शन प्रक्रिया है, ये जो पॉइंट सिस्टम है उससे हमें मिलेगा। तो यही मेरा मेन कारण है इनको ये बताने का कि इनका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो ये मेरे हिसाब से कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकती। बात करें जी सारी प्रक्रिया देखा, जो मैंने अमित से बात करी, मोहर साहब से बात की, सारे भाइयों से बात की, तो ऐसा हमारे टाइम पे कभी नहीं होता था कि विदाउट ट्रायल की आपका सिलेक्शन कर दिया जाए। एक तरफ तो मोदी साहब कहते कि आत्मनिर्भर बनो, और फिर कहते बाहर के कोचों को बुलाकर यहाँ पे उनको कहते आपका बॉस बना दिया जाता है। तो ये मैं नहीं मानता कि इससे हिंदुस्तान के बच्चों का भला होगा। आयरलैंड के दो कोच हैं, उनको चीफ कोच बनाया गया है, हमारे वाले उसके असिस्टेंट कोच बनाए गए हैं, जो कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, जो बगैर ट्रायल के उनका सिलेक्शन किया गया। आप कह रहे थे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो 7 लड़कों की टीम जाएगी, उनमें से 3 लड़के आपके साथ यहाँ पे सामने अपना जस्टिस के लिए खड़े हैं। तो इस तरह का माहौल हमारे टाइम पे कभी नहीं हुआ। हमारे टाइम तो यहाँ तक भी कहा गया कि भैया ट्रायल में हाथ खड़े होने चाहिए, तब तक लोगों को पता लगे कौन जीता कौन हारा है, लेकिन यहाँ पे ट्रायल हुई नहीं है। ट्रायल कहते कि अपना वो दिल चाहेगा उसको नंबर दे देगा, दिल चाहेगा उसको नंबर काट देगा। इससे कहते कि गुलामी और चाटुकारिता कैंप में ज़्यादा बढ़ेगी, इससे लोग जो बच्चे हैं वो जी हजूरों की तरफ जा जाएंगे, कल मेरा सिलेक्शन कोच कर दे तो मैं इसके साथ राम राम कर बोलता रहूँगा इसको। तो जो अनुभवी जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो इस जो सिलेक्शन प्रक्रिया इस दौरान बनाई गई है, एक तरह से कहते कि तुगल की फरमान है एक तरह से, बिकॉज जो दिल में आया वो लिख दिया और उसी का सिलेक्शन हो गया। तो ये जो हमारी टीम जा रही है, हम चाहते कि इन भाइयों के साथ जस्टिस हो। एक सीनियर खिलाड़ी, एक सीनियर बॉक्सर होने के नाते मैं भाइयों के साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। और भिवानी में आज ये कहते एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इन्होंने बताया कि अपना दर्द क्या है, और ये भिवानी का बॉक्सर होने आते, हमारे कोच होने के नाते हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और हम आपके सामने कहते अपना दुख बताया है, और हम चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ न्याय, जिनकी बात हो, सब कहते दोस्त देश के हर कोने तक पहुँचे और इनको जस्टिस मिले। तो पुरानी प्रक्रिया पर लौटा जाए आपका भी ये मानना है? जी जी जी, मैं एक ट्रायल होनी चाहिए बच्चे की। आप बताइए, अगर आपका आपके ऑफिस में आपका जो 4 लड़के काम करते हैं उसमें तो एक को चूज कर लिया, उसको प्रमोशन दे दिया, तो आपके अंदर क्या वो स्वाभिमान नहीं जागेगा? सबके साथ प्रॉब्लम होती, सबके साथ दिक्कत होती, इनके सामने सबके सामने ट्रायल कराओ, हिंदुस्तान सारा देखे। अगर ये नहीं जीतता तो भैया इसको मत भेजो, अगर जीत जाता तो भैया इसका हक बनता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो ट्रायल की जो चयन प्रक्रिया हो सबके सामने हो और निष्पक्ष रूप से उसकी जाँच हो। किसने जी? खेल मंत्रालय से जी नहीं, हमारे जो ये बीजेपी का काम है, आपको तो मालूम है, जो बीजेपी के जो हमारे जो बॉक्सिंग के जो बॉस है, सॉरी, हर जगह इन्फॉर्म कर दिया, ईमेल भेज दिए इन्होंने, हम इनका सपोर्ट करने आए कि भई हमारी आवाज़ भी कहते इनके साथ खड़ी है, बिकॉज हमने जो तय किया कि भैया ये इनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम इनके साथ आए हैं। भाई मेरा सपोर्ट है, मैं बॉक्सर पहले हूँ, कहते नेता वेता तो बाद की बात है, कहते बने ना बने तो बाद की बात होगी, लेकिन अजय बॉक्सर मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बॉक्सिंग का तो मेरे को तो मालूम होगा, घुसे मारने हैं भाई, किस तरह मारने हैं, उन्हें बेरा है इन चीज़ का, तो मैं इनके साथ हूँ भैया, रोंग होगा गलत इनके साथ। जो खिलाड़ी चुने जाते हैं बाहर, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको चुनने का अधिकार खेल संघ का, भारतीय जो खेल संघ है राष्ट्रीय स्तर की, वो खिलाड़ियों को चुनती है, तो हम उस अधिकार को चुनौती नहीं देते। उनको खिलाड़ी चुनने का अधिकार है, उनको कोच चुनने का अधिकार है, लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष होनी चाहिए, ये समय की मांग है, और सरकार भी, मोदी जी भी निष्पक्षता की, पारदर्शिता की दुहाई देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ी खामी क्या है कि सिलेक्शन की ट्रायल ही नहीं करवाई गई। फेडरेशन के पास सिलेक्शन का अधिकार है, उसके दो पैमाने हैं। पहला पैमाना है परफॉर्मेंस बेस, फेडरेशन किसी भी खिलाड़ी को उसकी पीछे की उपलब्धियों के आधार पर सेलेक्ट कर सकती है,
लेकिन वो देश और समाज और खिलाड़ियों के सामने उसको स्पष्ट करे कि भाई ये यहाँ खेल के आया है, हम इसको तो आगे भेजेंगे। एक एग्जाम्पल दूंगा, अभी विश्व मुक्केबाजी हुई महिला की दिल्ली में, उसमें दो लड़कियों ने गोल्ड जीता। पहले से ये घोषित कर दिया गया था कि जो गोल्ड सिल्वर जीतेगा वो एशियन गेम में सीधा जाएगा। ये ठीक है, फेडरेशन की नीति है, उसका अधिकार है, हमने उनको कहीं चुनौती नहीं दी। अब बात रही आगे की ट्रायल की, तो ट्रायल एक पारदर्शी ट्रायल होनी चाहिए। अब ये विश्व नंबर एक रहा है अमित, इसके वेट में दूसरा लड़का गया है। मैं नहीं कह रहा कि वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन देश को और इसको पता लगे, उसकी ट्रायल हो, जजेस भी आपके हैं, रेफरी भी आपके हैं, इनकी पारदर्शी तरीके से ट्रायल हो। अब जो जीतता है अमित, जीतता है अमित जाए, और दूसरा दीपक जीतता है दीपक जाए, कोई बात नहीं है। यूं ही आगे हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं, इनकी निष्पक्ष ट्रायल की हम मांग करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी होती रही है सिलेक्शन ट्रायल। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा बहुत बड़ा खेल है एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक, उसमें पहले जाने से पहले पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष ट्रायल हुई हैं, और वही हम मांग करते हैं कि आगे भी निष्पक्ष ट्रायल हो। कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर मेडलिस्ट, हमारा जो ट्रायल का सिस्टम नहीं किया गया है और इन्होंने असाइनमेंट चला रखी है, उसमें कोई इनका प्रोसीजर नहीं है जी। मैं पहले हफ्ते में 5 पॉइंट्स इन्होंने आगे किया हुआ था कोचों ने, और जो अगला हफ्ता का असेसमेंट थी, पूरा शेड्यूल आप मंगवा सकते हो, क्योंकि फाइट बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, फिर 20 पॉइंट पीछे कर दिया हमें कोई उन्होंने। मैं पूछा क्या दिक्कत रही सर, किस चीज़ में हम पीछे रहे हैं, कुछ नहीं। वे बोले कि ये हमारा डिसीजन है, आप एग्री करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। तो सर हम हाई कोर्ट में गए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि हमारी ट्रायल हो, क्योंकि ये बोलते हैं पोटेंशियल देखते हैं खिलाड़ी में कौन क्या करता है। तो सर पोटेंशियल देखते हैं, जैसे अमित भाई है, वर्ल्ड नंबर 1 है और इंडिया में नंबर 2 कर रखा है इन्होंने। मैं हूँ, मेरी पिछली बार कॉमनवेल्थ की ट्रायल हुई थी, मेरी नरेंद्र के साथ फाइट हुई थी, मैंने 5-0 से नरेंद्र को हराया था, और हमारे सतीश ओलंपियन थे, उनको 5-0 से हराया था। उसके बाद जो और फिर अब ट्रायल हुई कॉमनवेल्थ गेम हुए, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया सर, परफॉर्मेंस भी अच्छी दी, ये नहीं कि पहला टूर था। उसके बाद इन्होंने अब ये असाइनमेंट चला रखी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छी फाइट की, ये बोलते हैं कि आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब फिर इन्होंने ये वही काम कर दिया, ना कोई प्रोसीजर है इनका, अपना मनमर्जी का वो कर रखा है, जो ठीक लगता है उसका सिलेक्शन कर देते हैं। और जैसे अब हमने आवाज़ उठाई है तो हम कैंप में जाते हैं सर, हमारे साथ ऐसे हुए बोल रहे हैं जैसे कि हम है ही नहीं कैम में, हमको बाहर निकालो, ये कम कैम में क्यों आ गए हैं, इनको हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हुए, हम प्रैक्टिस करते हैं मुंह फेर के इस साइड से चले जाते हैं, जो हमें कोच हैं दिमित्री कोच हैं, ये कोच हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल हमारे साथ होता है सर, हम वहाँ पे रहते हैं, हम कैसे ट्रेनिंग कर पाएंगे। जैसे अब कोई मोटिवेशन नहीं है, बोल देते हैं नहीं तो हमें ये बोलते भाई ऐसे पंच मार ये कर ये कर, अपना देखते हैं मुड़ के चले जाते हैं सर। कोई बस यही हम ट्रायल चाहते हैं, हमारी ट्रायल हो जाए और उसमें जो अच्छा होगा वो चला जाएगा, जो वो जीत जाएगा वो चला जाएगा, मैं जीत जाऊंगा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि पीछे ट्रायल हुई थी, मैंने डिसीजन था 5-0 का मेरे फेवर में डिसीजन था जी, उसके बाद कोई ट्रायल नहीं, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। बस यही कहना चाहता हूँ सर, हमारी ट्रायल होनी चाहिए।